तो गाइस पायल के जो नाटक है ना हमेशा से ना सेम ही रहते हैं, 5 साल हो गए मुझे। फाइनली पायल मलिक की वजह से कृतिका मलिक ने जैद के साथ छोड़ दिया अपना घर। पायल से कृतिका इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि फाइनली उन्होंने मन बना लिया कि अब उन्हें इस घर में बिल्कुल नहीं रहना है। लेडीज ब्लॉग में फाइनली इस बात का खुलासा किया कृतिका ने कि 5 सालों से पायल किस तरीके से कृतिका को परेशान कर रही है। लेटेस्ट ब्लॉग को देखकर उनके फैंस भी काफी परेशान हो गए हैं। फैंस शुरू से बात कह रहे थे कि पायल काफी डोमिनेटिंग है और हमेशा वो कृतिका को परेशान करती रहती है, और अब जब कृतिका के सर से पानी ऊपर चला गया तो इसके बाद कृतिका ने इस बात को रिवील कर दिया है कि पिछले 5 सालों से पायल जो है उन्हें कितना ज्यादा डोमिनेट करती है, हर बात पर टोकती है, हर बात पर उनकी बात को काट देती है, जिससे परेशान होकर कृतिका ने जैद के साथ घर छोड़ने का प्लान बना लिया। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट व्लॉग जो है इसमें यही देखने को मिला कि कृतिका पायल से काफी ज्यादा नाराज नजर आई और वो व्लॉग में ये कहती नजर आई कि मुझे बहुत टाइम हो गया ये बर्दाश्त करते करते। अरमान को जिस तरीके से पायल से प्यार है वैसे ही कृतिका से भी है, लेकिन इसके बावजूद पायल जो है कृतिका से छिड़ती रहती है और यही वजह है कि बात बात पर उन्हें सुनाना, उन्हें इंसल्ट करना रोज की बात हो गई है। हाल ही में दोनों मार्केट गई थी और ऐसे में कृतिका ने बताया कि उनका आम खाने का मन था और पायल ने लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कृतिका जो है काफी परेशान हो गई और उनकी पायल से लड़ाई भी हो गई। लेकिन इस लड़ाई के बीच भी पायल जो है उन्हें बुरी तरह से इंसल्ट करती नजर आई। कृतिका मलिक को पायल मलिक जिस तरीके से बार बार परेशान कर रही है, उसके बाद कृतिका के फैंस का गुस्सा भी फूट पड़ा पायल के ऊपर। लेकिन अगर आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृतिका और पायल जो कुछ कर रही थी दरअसल ये हमेशा की तरह एक प्रैंक था। कृतिका ने कोई घर नहीं छोड़ा है, वो दरअसल इस व्लॉग में बताना चाह रही थी कि पायल को कैसे परेशान किया जाए। आप भी परेशान हो गए ना? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। जब हमने भी पहली बार व्लॉग शुरू किया उनका देखना तो हमें भी लगा कि कहीं वाकई कृतिका जो है वो परेशान तो नहीं हो गई है पायल से, क्या पायल वाकई कृतिका को परेशान करती है। और इसी वजह से लोगों ने पायल को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया जिन्होंने पूरा व्लॉग नहीं देखा। लास्ट में कृतिका मलिक हंसती हुई नजर आई और ये कहती नजर आई है कि भैया मैं तो प्रैंक कर रही थी। कृतिका पायल के लिए कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का प्रैंक किया हो, इससे पहले भी वो अपने फैंस को बेवकूफ बना चुकी है। हालांकि इस तरीके के वीडियोस को देखकर उनके फैंस काफी खुश होते हैं, काफी एंटरटेनिंग होते हैं उनके वीडियोस, और इसी वजह से अरमान मलिक की फैमिली को पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है। फिलहाल तो बात करें कृतिका और पायल के बारे में तो दोनों इस टाइम पर अपने घर चंडीगढ़ में है, अरमान मलिक दुबई में है अपने सॉन्ग की शूटिंग करने के लिए गए हैं, और वहां से अरमान भी ट्रोल्स के निशाने पर है क्योंकि हर बार नई लड़कियों के साथ अपने वीडियोस को वो शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये लड़कियां उनकी को-स्टार्स हैं, इसके बावजूद अरमान को लेकर लोग इसी तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि वो चौथी शादी करने वाले हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि पायल और कृतिका ने ये जो नया व्लॉग शेयर किया है जिसमें प्रैंक करती नजर आई है कृतिका, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।